उन्नाव में वट सावित्री पूजन के अवसर पर नरसेवा नारायण सेवा के संस्थापक विमल द्विवेदी ने सुहागिनों से रोपित कराए बरगद के 108 पौधे। गत कई वर्षों से पर्यावरण संरक्षण की मुहिम चला रहे नरसेवा नारायण सेवा के संस्थापक लोकप्रिय समाज सेवी विमल द्विवेदी के नेतृत्व में उनकी पत्नी अनीता द्विवेदी व संस्था के पदाधिकारियों द्वारा सोमवती अमावस्या के अवसर पर वट पूजन कर 108 पौधों में कुछ पौधे सुहागिनों द्वारा रोपित कराए गए, बाकी अलग अलग बस्तियों में महिलाओं को वितरित कर विमल द्विवेदी ने दिलाई पर्यावरण संरक्षण की शपथ। साथ ही सभी सुहागिन महिलाओं को अनीता विमल द्विवेदी द्वारा अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की गई। सोमवती अमावस्या जिसके अवसर पर हजारों लाखों वर्षों से बरगद के पेड़ की पूजा सुहागिन स्त्रियों द्वारा की जाती है। समस्त मातृ शक्तियों को वट सावित्री पूजन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी नरसेवा नारायण सेवा के द्वारा वट सावित्री पूजन दिवस पर मातृ शक्तियों के द्वारा 108 वट वृक्ष के पौधे लगवाए गए हैं और जगह जगह अतिरिक्त अलग अलग जगहों पर उनका रोपण कराया गया है। मातृ शक्तियों के द्वारा यह संकल्प भी दिलाया गया है कि पर्यावरण संरक्षण सहित जल संरक्षण का भी नरसेवा नारायण सेवा द्वारा संकल्प दिलाया गया है और ये अनवरत कई वर्षों से चला आ रहा है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में वृक्षों की भी पूजा हम सब करते हैं और उसी क्रम में नरसेवा नारायण सेवा द्वारा जो संकल्प लिया गया है कि प्रतिवर्ष सावित्री वट पूजन दिवस के दिन बरगद के पौधों का रोपण किया जाएगा। आज भी 108 पौधों का रोपण किया गया है और मात शक्तियों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया गया है। उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।